नमस्कार। आखिरकार वो कौन से रीजन है जिनकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी हो रही है? वो कौन से फैक्टर है, वो कौन से तत्व है जिनकी वजह से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है? इस वीडियो के माध्यम से अपन पेट्रोल और डीजल से संबंधित बहुत सारे फैक्ट के बारे में जानेंगे। जैसे आपका क्रूड ऑयल एक लीटर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने रुपए में पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी का क्या चार्ज है, डीलर का कमीशन कितना है, राज्य सरकारें वेट कितना लगाती है, और साथ ही एक लीटर के ऊपर रिफाइनरी की कॉस्ट कितनी आती है। सबसे महंगा और सबसे सस्ता जो पेट्रोल है वो कौन सी कंट्री में मिलता है, और इसके बाद हम सबसे लास्ट के अंदर हम पेट्रोल और डीजल की जो बेसिक प्राइस है लेकर और रिटेल प्राइस तक, जो सेलिंग प्राइस है वहां तक के पूरे चार्ज जोड़ते हुए आपको ये बताएंगे कि कैसे सेल के लिए इतनी प्राइस कैलकुलेट होके आती है। तो चलो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ती क्यों है। सबसे पहला रीजन है विदेशी बाजारों में क्रूड ऑयल की लगातार कीमतों में बढ़ोतरी के कारण इंडिया में पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते हैं। लगभग पिछले 13 से 14 महीने से लगातार क्रूड ऑयल के भाव जो है दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके इंडिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी नंबर बात है, दूसरा जो फैक्ट है वो है आपका कोविड, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी आपकी कोविड के अंदर स्कीमें चालू कर रखी है, चाहे वो फ्री राशन की है, चाहे वो आपका वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, तो दोस्तों चाहे गवर्नमेंट कितना भी बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम करे उसके लिए खर्चा आएगा, और वो खर्चा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जनता के द्वारा ही लिया जाता है, जनता से ही लिया जाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण था कि विदेशी बाजारों में क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, और दूसरा कारण है कोविड। जो भी आपका वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है जिसकी वजह से आपकी जो मनी है गवर्नमेंट आपसे लेगी, और उसकी वजह से ही ये प्रोग्राम चल पाते हैं। अपन पेट्रोल और डीजल की कैलकुलेशन निकालेंगे, और इसमें जो मैं डाटा यूज कर रहा हूँ वो जुलाई 2021 का बेसिक डाटा यूज कर रहा हूँ, जो एवरेज डाटा जिसको बोल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि एक लीटर पेट्रोल और एक डीजल की जो कॉस्ट आती है वो अपन कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहली कॉस्ट आती है उसमें आती है क्रूड ऑयल। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रूड ऑयल 35 रूपए 73 पैसे का पड़ता है, और साथ ही डीजल भी 35 रूपए 73 पैसे का पड़ता है। जब पेट्रोल और डीजल रिफाइनरी तक पहुंचते हैं तो उसमें रिफाइनरी की कॉस्ट एक्स्ट्रा में एड कर लिया जाता है, जिसमें आपका पेट्रोल पे आता है 4 रूपए 39 पैसे और डीजल पे आता है 6 रूपए 17 पैसे की कॉस्ट। तो दोस्तों आपका क्रूड ऑयल और रिफाइनरी की कॉस्ट होने के बाद जब पेट्रोल पंप पे ये फ्यूल जाता है तो वहां पे आपका एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस एक्स्ट्रा में जुड़ जाता है, जिसमें आपकी प्राइस होती है 32 रूपए 90 पैसे प्रति लीटर पे आपका एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे लगता है, और डीजल पे 31 रूपए 80 पैसे के करीब डीजल पे एक्साइज ड्यूटी लगता है। साथ ही कमीशन टू पेट्रोल पंप डीलर्स की जो बात होती है वो होती है 3 रूपए 80 पैसे के करीब पेट्रोल पे, और 2 रूपए 59 पैसे आपका लगता है डीजल के ऊपर, जिसका कमीशन बनता है। जब आप रेडी टू सेल होने पे सबसे लास्ट में जो एक कॉस्ट जुड़ती है जिसको हम वेट के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों वेट जो है पेट्रोल के ऊपर करीब करीब 30% लगता है, और वहीं डीजल पे 16% में, दिल्ली की बात करो 16.75% दिल्ली में वेट लगता है। तो ये मोटा मोटा चार्ज हो जाता है 23 रूपए 5 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से वेट लगता है पेट्रोल पे, और डीजल पे लगता है 12 रूपए 97 पैसे के हिसाब से। तो फाइनल जो रिटेल प्राइस ऑन आती है वो करीब करीब जुलाई 2021 में 100 रूपए की आ जाती है पेट्रोल की, और डीजल की आती है 90 रूपए के आसपास। तो दोस्तों ये था कि पेट्रोल की और जो एक्साइज ड्यूटी है, वेट है, कमीशन है, वो किस हिसाब से चार्ज जोड़ा जाता है। और एंड आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।